राहुल गांधी प्रकरण को लेकर कांग्रेस देशव्यापी विरोध कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने राजधानी रांची आकर एक बार फिर केंद्र सरकार को अडानी मामले में कटघरे में खड़ा किया। राजधानी रांची के कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में काले रंग के बैनर पर लिखा था डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड। केंद्रीय प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाते कहा कि जब से वो दिल्ली की सत्ता में आए हैं लोकतंत्र को रोजाना क्षति पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई सरकार और सत्ता से सवाल पूछ रहा है तो यह सरकार को गंवारा नहीं। और तानाशाही की इंतहा तब हुई जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार से अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने का सवाल उठाया तो उनकी आवाज म्यूट कर दी गई और विधानसभा की कार्यवाही से उस सवाल को भी निकाल दिया गया। हम सिर्फ जो देश की मुद्दे की बात है वो बात उठा रहे हैं। जो न्यायपालिका में थे तब रांची आए थे, बहुत दिनों बाद आए, बहुत सुंदर प्रकृति के गोद में, उनके ऊपर जान माल का कितना खतरा है। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुल उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।